रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। रूस आग बबूला है। नाटो और पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों की मदद को लेकर पुतिन इस कदर बौखलाए हुए हैं कि इस जंग की आग में यूरोप के कई दूसरे देश भी झुलस सकते हैं। जिस तरह पिछले 11 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि यह युद्ध कई महाशक्तियों को भी इस जंग की आग में कूदने पर मजबूर कर रहा है। रूस ने अभी से यह ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में यह युद्ध जीत कर ही रहेगा। रूस ने धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को और अधिक ताकतवर और जंगी हथियार दिए तो युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होगा। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। इससे पहले पुतिन भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर दुश्मन देश यूक्रेन ने अपनी जंग की नीतियों में इसी तरह बदलाव जारी रखा तो उसे इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस तरह यूक्रेन हथियारों की कमी से जूझ रहा है, उसे लेकर अमेरिका ही नहीं पश्चिमी देशों से भी भारी मात्रा में हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। रूस की धमकी के बीच यूक्रेन को जर्मन टैंक भेजने के फैसले पर सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच जर्मनी में हुई बैठक फेल हो गई है। यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी स्थित अमेरिकी रामस्टीन एयरबेस पर नाटो और करीब 50 देशों के सैन्य लीडर जमा हुए थे, जिसमें युद्ध की रणनीति समेत यूक्रेन में हथियारों की नई खेप भेजने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस मीटिंग के दौरान यूक्रेन में जर्मनी की लेपर्ड टैंक भेजने को लेकर बात नहीं बन पाई। हथियारों की कमी से जूझते यूक्रेन पर रूस ने पहले से भी हमले ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूस का कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि नए कमांडर वालेरी गेरासिमोव की नियुक्ति के बाद यूक्रेन में आने वाले दिनों में पुतिन कोई बड़ा धमाका करने का प्लान बना चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से रूस की धमकी के बाद पश्चिमी देशों में एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि यूक्रेन ज्यादा दिनों तक इस युद्ध में दूसरे मददगार देशों के भरोसे नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों को डर है कि अगर वो लंबी दूरी के हथियार, मिसाइलें और टैंक यूक्रेन को देते हैं तो रूस भी ऐसे विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो यूरोप के देशों में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। रूस के सबसे ज्यादा निशाने पर अगर कोई देश है तो वो है अमेरिका। अमेरिका से रूस खार खाए बैठा है। रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका को भी कड़ी चेतावनी दी है। रूस का कहना है कि यूक्रेन पर जिस तरह से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से आए दिन बयान जारी हो रहे हैं, उसे रूस किसी भी कीमत पर नहीं भूलने वाला और इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा।